27 जुलाई को सिरोही जिले को मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सिरोही मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन का गुरुवार को वर्चुअल रूप से लोकार्पण करने जा रहे हैं और कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह करनोत ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ललित कुमार से खास बातचीत की। ₹325 करोड़ की लागत से बने सिरोही मेडिकल कॉलेज का 27 जुलाई को वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत भी उनके साथ में जुड़ेंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर, उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, किस प्रकार से उसका उद्घाटन होगा, उसको लेकर के हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब से जानेंगे, सर कैसे रहेगा कार्यक्रम? सर अभी 27, जैसा आपने कहा 27 तारीख का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में अशोक गहलोत साहब वर्चुअल उद्घाटन सीकर मेडिकल वहाँ से कर रहे हैं, जिसमें अभी तैयारियां हैं 1500-2000 का आप देख रहे हैं पंडाल तैयार किया जा रहा है। सीधा वहाँ से लोकार्पण जब होगा तो उसका डिस्प्ले होगा, उसकी नेट कनेक्टिविटी हमारे DIT के अधिकारी आज आए हैं, उन्होंने कर ली है रिहर्सल और कल पंडाल से वापस चेक की जाएगी। सर यहाँ पे जो लोकल स्तर की अपन बात करें तो लोकल स्तर पे यहाँ पे कौन कौन गेस्ट रहेंगे यहाँ पे, जिसमें मंत्री से लेकर के जो अधिकारियों तक में कौन कौन रहेंगे यहाँ? इसमें हमारे यहाँ पर सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद, हमारे लोकल MLA, तीनों MLA हमारे यहाँ के, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच साहब, इनका इसमें निर्देशानुसार ये यहाँ पर मुख्य अतिथि उसमें होंगे। तो ये थे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के यहाँ पे वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके इस मेडिकल कॉलेज का जो है लोकार्पण करेंगे और सिरोही जिले को बड़ी सौगात देंगे। सहयोगी वसीम के साथ विक्रम सिंह करनोत, सचिव सिरोही।